तो ये तस्वीरें गोरखपुर की पावन धरती से आप लोग देख रहे हैं। जी हाँ, मैं इस समय गोरखपुर में हूँ और यहाँ से कई स्टोरी अब तक आपको भेज चुका हूँ। आपने MBA चाय वाले का नाम तो सुना होगा। आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे ग्रेजुएट चाय वाले से। हमारे साथ में जो साथी खड़े हैं वो ग्रेजुएट है और चाय की टपरी यानी कि चाय की जो रेड़ी है उस पर लगातार काफी वक्त से चाय बेचते हैं। इनकी स्टोरी बड़ी अलग है। जब मैं यहाँ पर आया और चुनाव की कवरेज की तो मैंने उनसे भैया से बात की। भैया से बात करते करते उनके बारे में थोड़ा जाना तो मुझे लगा कि ये इंस्पायर करने वाली स्टोरी है और आप लोगों तक जानी चाहिए, खास तौर से उन युवाओं तक जो हार रहे हैं, हिम्मत को तोड़ रहे हैं और ये आस लगाए हुए बैठे हैं कि कोई सरकार बड़ी आएगी और उन्हें बड़ी सी नौकरी देगी। तो चलिए बात करेंगे उस साथी से जिसने बहुत कुछ खोकर के भी और पढ़ाई के नाम पर, डिग्रियों के नाम पर बहुत कुछ पाकर के भी आखिर चाय की इस रेहड़ी पर अपना काम शुरू किया। और आज वो कहाँ है, आज वो जिस जगह भी है अपने मुंह से बताएं। भैया क्या नाम है आपका? रामधनी मौर। रामधनी मौर नाम है आपका। चाय की टपरी, वजह क्या है जबकि ग्रेजुएट है? जी सर, देखिए जैसे कि बात है कि मैं भी इसके पहले जॉब किया तो, लेकिन इसके पहले जॉब में जो सेटिस्फेक्शन है और जो आपके सपने होते हैं, आप कुछ अगर बड़ा करना चाहते तो वही है जॉब आप करेंगे 10 से 20 हज़ार तक का ही आप मिल सकता है। बहुत अच्छा ग्रेजुएट हैं आप, अच्छा कोई है, अगर आपने मान लीजिए BTech ही किया हो तो 15 से 20 हज़ार 25 हज़ार ऑन एन एवरेज यही आता है। लेकिन अगर आपको कुछ बड़ा करना है उससे ज़्यादा, और हमारे युवा जो हैं इस समय यही चाहते हैं, बस वही हमारा शुरू से ही सिखाया जाता है भाई, नौ पढ़ ले उसके बाद नौकरी ही करना है। आपने जो पढ़ाई की वो ये सोच के नहीं की कि आपको नौकरी करनी है? कहीं ना कहीं मन तो आपका था, लेकिन मुझे पता ही नहीं था ना। अगर सॉफ्टवेयर तो हमें यही बताया गया था ना, शुरू से लोगों को यही बताया जाता है कि ये हमारा सॉफ्टवेयर ही डेवलप किया जाता है। बचपन से ही हमें बताया जाता है कि बेटा पढ़ लो तो अभी तुम्हें अच्छी नौकरी मिलेगी, सरकारी नौकरी मिल जाएगी। अच्छा, वैसे ट्राई किया था नौकरी के लिए आपसे? हाँ, 2012 से मैंने भी, 2018 तक मैंने ट्राई किया था। फिर आपने देखा UPSI, उसमें थोड़े अच्छे, मतलब कई ऐसी भर्तियां हुई जिसमें वो हो भी नहीं पाई। लेकिन अब मैंने फिर उसके बाद सारी चीजें छोड़ी, उसके बाद मैंने आइडिया ज्वाइन किया। कुछ साल करने के बावजूद मुझे पता प्राइवेट एक नौकरी की, हाँ, प्राइवेट किया तो फिर उसको आपने देखा या कि टेलीकॉम सेक्टर हो रहा था, फिर मेरे दिमाग में आया कि अपना खुद का बिजनेस शुरू करते हैं, छोटा ही रहेगा लेकिन। और बिजनेस बनाया चाय की टपरी? हाँ, उसके बाद से अब स्टार्ट किया है। इससे मैंने लगभग अभी देखिए इसको छोटा ना, मैंने अपना छोटा स्टार्टअप। अच्छा अच्छा, बीच में आपको रुक रहा हूँ। आपको ये नहीं लगा कि मैं ग्रेजुएट हूँ और मैं चाय का ठेला लगाऊंगा तो लोगों का क्या नजरिया होगा या लोग क्या कुछ कहेंगे? हमें देखिए, आज के युवा का या किसी का भी सबसे बड़ा फ्लॉप होने का कारण ही यही है कि लोग क्या कहेंगे। लोग अरे यार यही देख लोगे तुम, लोग क्या कहेंगे, तो कोई ये शर्म ही सबसे बड़ा वो है। और अगर मुझे भी तो शर्म आती थी, लेकिन ऐसा नहीं है, शर्म को छोड़ना पड़ेगा और आगे जो बढ़ेगा उसको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। आज मेरा भी लगभग कि 10-15 लाख के टर्नओवर का मैं भी अपनी कंपनी बनाया, अभी आपके आशीर्वाद। अभी आप कंपनी में डेवलप हो चुका है? हाँ, अब मेरा है, मतलब अभी 5 जगह मेरा शॉप चलता है, MMM पे भी है, जूडियो टावर में भी है, आपके गोलघर चौराहे पे भी है। और अब ऐसी 5 ठेली भैया लगाते हैं, ये ठेली, आप इसका शब्द ठेली का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उनका कई जगह, कई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में भी उनकी शॉप है और भी, तो बढ़ते बढ़ते वो 5 अपना जो इस प्रोजेक्ट को बढ़ा चुके हैं और एक कंपनी जो है उन्होंने स्टार्ट की है। जी, सामने दिखा दी जो बिल्डिंग उसमें है ना। हाँ, जैसे देखिए अभी हम ये, जैसे कि हमारे भी जैसे बहुत से लोग हैं, जैसे जितने भी युवा हैं इतने टैलेंटेड हैं, लेकिन एक है ना कि कोई आधार या कोई, वही है ट्रेन के डिब्बे की तरह है, कोई अगर इंजन अच्छा मिल जाएगा तो अच्छा, अगर उसको ले गया सही दिशा दे दिया तो बहुत है। आपको पता ही है कि सबसे यंग कंट्री जो है इंडिया है, लेकिन हम लोग इस पे नहीं ध्यान देते। यहाँ पे देख लीजिए सबसे ज्यादा युवा ही दिख रहे हैं, यहाँ पे देख लीजिए आपके सामने ही सबसे ज्यादा ऑन एन एवरेज में युवा ही है, लेकिन आप उस पे काम कोई नहीं कर रहा। अच्छा, हमारे यहाँ क्या है अभी देखिए, ऑन एन एवरेज अभी जो हमारा सबसे बड़ा जो फोकस, हमारा डिस्ट्रैक्शन है जो, वो हमारा मोबाइल आ गया, सोशल मीडिया। अभी ऑन एन एवरेज आपका 5 घंटे का एवरेज है, जो कि हम सबसे ज्यादा टाइम उस पे दे रहे हैं, तो हमारा दिमाग उस पे जो चीजें आपको मिलेंगी वही चीजें। मतलब आप कह रहे हैं कि सोशल मीडिया से अच्छा वक्त भी गुजारा जा सकता है, और लेकिन लोग ज्यादातर अपना टाइम खराब कर रहे हैं। कुछ हमें अपना अच्छा अच्छा, मैं यहाँ पर लोगों से मैंने बात की, आप हमें भी चाय कर दीजिए। मैंने ये सुना है कि आपकी चाय बहुत मजेदार होती है, लगातार आपके ग्राहक यहाँ पर बने हुए हैं और लगातार आपकी चाय, तो चाय में कुछ खास डालते हैं क्या? नहीं, कुछ खास नहीं, देखिए कोई खास नहीं होता है, ये तरीका बस अपना अलग अलग है। क्या तरीका ये है? मतलब ये देखिए, हर लोग तो वही चीजें डालते हैं, चाय पत्ती डालेंगे, चीनी, बहुत मजेदार चाय है, आपकी गाड़ी है और बहुत, तो बस वही है कि आपको कुछ, जैसे देखिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या थी कि
देखिए कोई प्रॉब्लम को आप सोल्यूशन निकालेंगे तो आप बड़ा करेंगे। तो मेरी यहाँ प्रॉब्लम थी कि अच्छी चाय, मतलब मैं कोई नशा नहीं करता, सिर्फ चाय ज्यादा पीता था, तो चाय अच्छी नहीं मिलती। आप चाय ज्यादा पीते थे तो आपको लगा। तो मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी, किसी की सबकी प्रॉब्लम है कि अच्छी चाय नहीं मिलती है। अच्छा, बीच में एक बात आपसे रोक के पूछ रहा हूँ, मोदी जी से इंस्पायर होके तो नहीं कि आपने कि बड़ा आदमी बन जाऊंगा, चाय बेचते थे वो प्रधानमंत्री बन गए और आपने चाय चुना? ऐसा कुछ नहीं बात है, मैं बिजनेसमैन, मेरा खुद का बिजनेसमैन मुझे बनना है, ऐसा कोई मोदी जी से नहीं। वो क्या किए थे, वो अगर आप किसी के रास्ते पे नहीं, खुद मुझे अपना खुद रास्ता बनाना है। मोदी जी हैं, सही है। क्या कहना चाहेंगे जो इस स्टोरी को आपकी देख रहे हैं और आपने आज एक कंपनी बना ली है, 5 आपकी शॉप हो गई है इस चाय के ठेले से, उनसे आप क्या? देखिए मैं यही कहना चाहूंगा कि खुद आत्मनिर्भर बने, अपने खुद पे ही कुछ काम करें, खुद अपना कुछ करना चाहिए। जैसे अगर आप कर रहे हैं, जॉब ही कर रहे हैं, तो उसके साथ जो वक्त आप अदरवाइज मतलब कहीं और दे रहे हैं उसको थोड़ा यूटिलाइज करें, यूटिलाइज करेंगे 1-2 घंटे यूटिलाइज करेंगे, नई स्किल्स सीखें, बहुत सी ऐसी चीजें हैं। अगर आप अपने आप को डेवलप नहीं करेंगे तो वही है नॉर्मल इंसान की तरह, जो नॉर्मल चल रहा है वैसे हर कोई भी सरकार आपको ऐसा नहीं करेगी कि आपको रोजगार, कोई जादू नहीं करने वाला, आपको खुद काम करना पड़ेगा, खुद ये करना पड़ेगा। और आपको बता रहा हूँ कि अगर आप छोटे स्टार्टअप पे काम ज्यादा होगा तो जैसे आज हमारा बड़े बड़े मॉल्स भी अभी बहुत फेल भी हो रहे हैं, ऐसा नहीं है, छोटी चीजों पे हो गए, यंग हैं हमारे और अच्छा करेंगे तो हमारी भी थोड़ी इकोनॉमी भी हेल्प होगा और इकोनॉमी बढ़ेगी तो जो ये गरीबी वाला जो स्तर है वो हमारा थोड़ा अच्छा सुधार आएगा। तो ये एक ऐसे युवा की सोच है जिन्होंने अपनी सारी चीजें छोड़ी और हार नहीं मानी, लेकिन चाय की टपरी बनाई और उस चाय की टपरी से आज करीब 5 स्टॉल उन्होंने कर लिए हैं। युवाओं के लिए बड़ा संदेश उन्होंने दिया है कि नौकरी का इंतजार मत कीजिए, आप उस क्लिक का इंतजार कीजिए जो आपसे समय चाहता है। कुछ और क्या, जैसे मान लीजिए मेरे साथ है, अभी 10-12 लोग हैं मेरे साथ काम भी कर रहे हैं, तो जब हम लोग ऐसे काम करेंगे, कोई छोटे स्टार्टअप डालेंगे तो उससे नए लोगों को रोजगार भी मिलेगा, ये हमें करना पड़ेगा। जैसे आपने अगर आपके पास कुछ अच्छी आइडिया है उस पर काम करिए, फेल होंगे, मैं भी बहुत बड़ा फेल हुआ, मैं भी 4-5 लाख घाटे में गया, लेकिन उससे लड़ना पड़ेगा। या तो फिर अगर मैं हार मान लेता, आज मैंने लड़ाई किया उससे आगे बढ़ा, फिर मतलब पिछले साल मैं बहुत बड़ा मतलब लॉकडाउन सबके लिए लगा था, मेरा भी 4-5 लाख लॉस हुआ, मेरी दोनों दुकानें बंद हो गई, फिर मैंने स्टार्ट किया और आज देख लीजिए फिर है। लॉकडाउन से भी निराश नहीं हुए, लॉकडाउन में जो लॉस उन्होंने किया वो भी हमें सीखना पड़ेगा कि आपको करना क्या, हम सीखे और आप देखिए कि है और भी अभी है आगे और भी चीजें हैं। कहने का मतलब साफ है कि आज वो 10-15 लोगों को रोजगार देते हैं और करीब 5 टपरी उन्होंने बनाई है, और ऐसा नहीं है कि वो टपरी है, कई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में उनका एक कोई शॉप बताया है भैया ने, एक दो जगह और है, और लगातार ये युवाओं में बहस जो छिड़ी है कि हम करें तो करें क्या, वो ऐसे ग्रेजुएट चाय वालों से ये सबक ले सकते हैं कि आखिर उन्हें क्या करना है। ज़रूरी नहीं कि कारोबार कोई छोटा या बड़ा हो, ये तो आदमी के कर्म है और ईमानदारी से किया जाने वाला कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। ज़रूरी है कि हम लोग जायज़ काम करें और अपने बच्चों के लिए रोज़ी कमाएं। फैक्टम के दर्शकों का धन्यवाद, आप देख रहे हैं गोरखपुर से सीधी तस्वीरें। जय हिंद।